हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर सोशल स्टडी क्लास आवर चैप सेकंड चैप्टर इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स द नॉर्दर्न माउंटेन मींस भारत के उत्तर के माउंटेंस इंडिया इज अ यूनिक कंट्री भारतवर्ष हमारा एक बहुत ही यूनिक देश है इन विच जिसके अंदर ऑल मेजर लैंड फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन प्लेट्यू प्लेन कोस्ट डेजर्ट पाए जाते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन स्ट्रेच भारत के उत्तर में जो माउंटेंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं द नॉर्दर्न माउंटेंस स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया भारत के उत्तर के बॉर्डर तक फैले हुए हैं दीज माउंटेन रेंजेस ये जो माउंटेन की रेंजेस हैं कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम इनको ट्रेस किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक इनको ट्रेस किया जा सकता है दीज नॉर्दर्न माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ टू माउंटेन रेंजेज इन नॉर्दर्न माउंटेंस को बनाया गया है टू माउंटेन रेंजेस के द्वारा द हिमालयस एंड द कराकोरम रेंजेस इन ये जो टू माउंटेन रेंजेस हैं उसमें वन इज़ हिमालय एंड सेकेंड इज़ कराकोरम रेंज द हिमालय जिसको कि हम हाँ, एबोर्ड ऑफ स्नो के नाम से भी जानते हैं या इसका हिमालय का मीनिंग एबोर्ड ऑफ़ स्नो भी है इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ये जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है दे फॉर्म अ बिग वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया दे फॉर्म अ बिग वॉल ये जो है भारत के उत्तर में एक बड़ी विशाल बिग वॉल के रूप में खड़ा है भारत के उत्तर में इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ये जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है इस टोटल लेंथ इज़ अबाउट इसकी जो टोटल लेंथ है वो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर एंड इसकी जो चौड़ाई है इज़ बिटवीन वन फिफ्टी टू फोर हंड्रेड किलोमीटर तक है हम यहाँ पर पेज नंबर अलेवन पे जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें हमारे हिमालय जो है पूरी तरीके से थ्रू आउट स्नो से कवर्ड रहता है हम देख रहे हैं जो हमारा पिक्चर नीचे भी एक मैप दिया हुआ है इसमें देख रहे हैं हम हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना तिब्बत नेपाल भूटान ये सभी क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं द नॉर्दर्न माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द एयर नॉर्दर्न के जो माउंटेन है पूरे साल वहाँ पर स्नो से कवर्ड रहते हैं माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय इज़ द हाइस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हिमालय की हाइएस्ट पीक है वर्ल्ड में इट इज़ एट एट फोर एट मीटर हाई ये आठ हज़ार आठ सौ फोर्टी एट किलोमीटर ऊंची है इट इज़ इन नेपाल ये नेपाल में है मैनी पीपल एंड प्रोफेशनल ट्रैकर्स प्रोफेशनल ट्रैकर्स मीन्स जो माउंटेन पर आसानी से चढ़ जाते हैं रेगुलरली क्लाइम द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालय स्नो देखिए कितनी स्लीपरी होती है उस और माउंटेन्स के ऊपर स्नो कवर्ड होने के बाद भी बहुत सारे माउंटेनियर जो हैं प्रोफेशनल ट्रैकर जो हैं माउंटेन के ऊपर चढ़ के अपनी अपनी विजय पताका फहरा के आते हैं सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953 सर एडमंड हिलेरी एंड तेनजी नॉर्गे जो फर्स्ट एक लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले 1953 में उन्होंने माउंटेन पे क्लाइम किया था बछंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन और बछंद्री पाल इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 1984 में पीक पर चढ़ाई की थी संतोष यादव वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस संतोष यादव फर्स्ट वुमेन थी वर्ल्ड की जो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी द हिमालय हिमालयाज है थ्री रेंजेस हिमालय की थ्री रेंजेस हैं वॉट आर दीज हिमाद्री जिसको ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है हिमाचल इज नोन एज मिडिल हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज लेसर हिमालय नाउ वी विल रीड अबाउट हिमाद्री रेंजेस द हिमादवी रेंजेस आर द हाइएस्ट एंड देयर फोर स्नो क्लैड थ्रू आउट द एयर हिमादवी रेंजेस जो है ये भी बहुत ही ऊंची होती हैं और इनके ऊपर भी पूरे साल स्नो कवर्ड no होके ही रहती है ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस माउंटेन रीजन इस माउंटेनियस रीजन में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं ग्लेशियर्स किसे कहते हैं स्नो के बने हुए बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स एज अ रिजल्ट रिवर्स लाइक इन इंदस गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स इन ग्लेशियर्स के होने की वजह से ही इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारी बहुत सारे रिवर्स विच रिवर्स इंदर्स गंगा एंड यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ये सभी रिवर्स जो हैं इन्हीं ग्लेशियर्स से इनकी उत्पत्ति होती है अच्छा इन ग्लेशियर्स से इन रिवर्स की उत्पत्ति कैसे होती है क्या होता है कि ये ग्लेशियर्स बनते हैं फिर जब दिन निकलता है तो सन की लाइट से सन की हीट से क्या होता है ये ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होते हैं इतनी स्पीड से मेल्ट होते हैं और जब ये मेल्ट होकर इनका पानी जब नीचे फ्लो करता है तो जो है इन रिवर्स की उत्पत्ति मानी जाती है Some of the high peaks in this ranges, इस रेंज की कुछ हाई पीक्स में कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट एंड मानी जाती हैं। सेकेंड इज द हिमाचल रेंज हिमाचल रेंज इज नोन एज द मिडिल हिमालय दीज आर द मिडिल हिमालय रेंजेस एंड दे आर लोअर देन द हिमाद्री ये जो है हिमाद्री से थोड़ी सी छोटी हैं एंड लाइट टूवर्ड्स इट्स साउथ और ये हिमाद्री के साउथ में बनी हुई हैं द स्लोप ऑफ दीज माउंटेंस इन माउंटेंस में स्लोप्स होते हैं दैट आर कवर्ड विद इनके जो स्लोप्स हैं इनके जो जो स्लोप एरियाज में पाइन चीर एंड देवदार के ट्रीज पाए जाते हैं फ्रूट्स लाइक इन पाइन एंड चीर देवदार के ट्रीज के अलावा यहाँ पर फ्रूट्स में एप्पल पाम पीचेस, प्लम्स एप्रिकॉट पियर एंड चेरी यहाँ पर इनकी पैदावार होती है टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग विस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग इज़ डन इन दिस माउंटेन स्लोप स्लोप कहते हैं तिरछे को और टेरेस फार्मिंग इज़ डन इन माउंटेन स्लोप मीन्स यहाँ पर क्या होता है पेज नंबर ट्वेल्व पर हम टेरेस फार्मिंग का पिक्चर देख रहे हैं तो क्या इनमें क्या होता है जिस तरीके से हम लोगों की सीढ़ियाँ होती हैं तो सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप होते हैं तो माउंटेन भी हमारे स्लोप होने की वजह से वहाँ पर जो है टेरेस बना दिए जाते हैं छोटी छोटी सी पैड़ी बना दी जाती है तो उन पैड़ीज पर हमारे पाइन चीर देवदार जो है बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं और यहाँ पर एप्पल प्लम पीचेस एप्रिकॉट पियर्स एंड चेरी की में इन फ्रूट्स की पैदावार बहुत अच्छी होती है टेरेस फार्मिंग इज़ डन है और इन एरियाज में टेरेस फार्मिंग की जाती है इन दिस मेथड इस मेथड में लार्ज फ्लैट स्टेप बड़े बड़े फ्लैट स्टेप्स होते हैं आर कट इन टू द स्लोप उनको जो है फील्ड के शेप में स्लोप के माध्यम से बनाया जाता है वी फाइंड मैनी हिल स्टेशनस यहाँ पर हम बहुत सारे हिल स्टेशंस भी देख सकते हैं उन हिल स्टेशंस में श्रीनगर गुलमर्ग पहलगाम डलहौजी शिमला कुल्लू मसूरी नैनीताल एंड दार्जिलिंग इस रेंज में आते हैं कौन सी रेंज में हिमाचल रेंज या मिडिल हिमालयाज में द रिवर्स फॉर्म वाटरफॉल एज दे फ्लो रैपिडली डाउन द माउंटेंस रिवर्स जो हैं, वाटरफॉल के रूप में क्या होती हैं फॉर्म में आ जाती हैं एज दे फ्लो रैपिडली और फिर ये बहुत ही स्पीड से क्या करती हैं माउंटेन से नीचे की ओर बहती हैं थर्ड हिमालय की जो रेंज है दैट इज़ शिवालिक रेंज एंड इट इज़ नोन एज द लेसर हिमालय रेंज ऑल्सो द शिवालिक रेंजेस आर द लोएस्ट शिवालिक रेंजेस जो है ये सबसे छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ऊंची होती हैं लेकिन इनसे ऊंची और टू हमारी रेंजेस हैं। फर्स्ट इज हिमाद्री एंड सेकेंड इज हिमाचल सो दिस इज द लोएस्ट रेंज दे लाई इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हिमालय और ये भी हिमालय के साउथ में बनी हुई हैं दीज रेंजेस आर नोन फॉर देयर थिक फॉरेस्ट ये जो रेंजेज़ हैं ये अपने घने जंगल के लिए जानी जाती हैं और घने जंगल होने की वजह से यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स सचेज टाइगर लेपर्ड बियर्स एंड क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक फॉर्म द तैराई रीजन शिवालिक के जो फूट हिल्स हैं यहाँ पर यहाँ के जो छोटे छोटे पर्वत हैं वहाँ पर तैराई रीज़न पाया जाता है मोस्ट ऑफ दिस रीज़न इसका जो मोस्टली जो रीज़न है लाइज इन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आते हैं इट इज़ मार्शी एरिया ये थोड़ा मार्शी में दलदली एरिया है एंड रिसीव लॉट ऑफ रेनफॉल ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी नमी भी रहती है और थोड़ी दलदल भी पाई जाती है द तराई रीजन हैज़ मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तराई रीजन में बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती हैं द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज़ अ प्लेस ऑफ़ टूरिस्ट इंटरेस्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में बसा हुआ है ये टूरिस्ट का बहुत ही अच्छा प्लेस है लोग जो यह है यहाँ पर बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट द पूर्वांचल रेंज दे आर नॉट वेरी हाई नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल रेंजेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और ना ही इनमें ज़्यादा घना फॉरेस्ट पाया जाता है विद ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और यहाँ पर भी आ, तो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं इनका जो फॉरेस्ट है ज़्यादा थिक नहीं है थिक ना होने की वजह से भी यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं द गारो खासी जैंतिया एंड नागा लोशाई एंड मिजो हिल्स आर द पार्ट ऑफ दिस रेंजेस यहाँ की जो है ये दारो दा खासी जैतिया नागा लुसिया एंड मीज़ो हिल्स जो है इस रेंज में पाई जाती हैं टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ़ हिमालयाज़ लाइज द कराकोरम माउंटेन रेंज हम अगर नॉर्थ वेस्ट के हिमालय में देखें वहाँ पर कराकोरम माउंटेन रेंज पाई जाती हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको के टू के नाम से भी जाना जाता है लाइज इन कराकोरम रेंज में बसी हुई है जो सेकेंड हाइस्ट पीक इन दर्ल्ड है दैट्स ऑल फ्राम टूडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द सेकेंड वीडियो थैंक यू Hello student, today I am going to continue our second chapter in our social study class, the Northern Mountain. In our previous video, we read about the Northern Mountains, landforms, mountains, plateau, plains and uh, Himalaya three ranges, Himadri, Himachal and Shivalik. नाओ इन दिस वीडियो वी रीड द लाइफ स्टाइल इन माउंटेन्स माउंटेन में रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होता है इन माउंटेन रेंजेज़ में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वी विल रीड इन दिस वीडियो लाइफ इन द माउंटेन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इंक्लूड ऑफ द स्टेट्स ऑफ नार्दर्न माउंटेन रीजन में जम्मू कश्मीर उत्तराखंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हिमाचल प्रदेश सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ब्यूटिफुल इस्टेट जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटिफुल इस्टेट है इट हैज़ टू कैपिटल्स इसकी टू कैपिटल्स हैं श्रीनगर summer capital and Jambu the winter capital. Kashmiri, Urdu, Dogri and Pahari are the main languages spoken in this state mein boli jane wali languages. Hain. During winters, because of extreme climatic conditions and snowfall, people stay indoors and earn by making handicraft from wood and paper max. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में स्नोफॉल होता है तो लोग यहाँ पर अपने घर के अंदर रहकर ही अर्निंग का काम करते हैं विस टाइप ऑफ अर्निंग दे मे बाय मेकिंग हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट वर्क के द्वारा वुड के वर्क का के द्वारा एंड पेपियर पेपियर किसे कहते हैं वो जो है एक प्रकार की कुटी बनाते हैं उन सब चीज़ों की हेल्प से ही वो जो है अपनी आजीविका को चलाते हैं सम पीपल वीव सिल्क एंड वुलन क्लोथ ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोग सिल्क एंड वुलन के क्लोथ को भी वीविंग करते हैं वाइल्ड अदर मेक वर्ल्ड फेमस कारपेट कुछ लोग यहाँ के जो वर्ल्ड फेमस कारपेट है उसको बनाते हैं वाइल्ड द अदर मेक द वर्ल्ड फेमस कारपेट एंड वॉम पशमीना शॉल पशमीना शॉल का आपने नाम सुना होगा वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है उसकी ये जो है मैनुफैक्चर भी कश्मीर में ही की जाती है कश्मीर इज़ कूल इन समर जो इस समय हम लोग के यहाँ जो है प्लेन एरियाज में अप्रैल का जो मंच चल रहा है इस समय पर वहाँ पर बहुत ही अच्छा खुशनुमा मौसम रहता है एंड ड्यूरिंग दिस सीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द फील्ड और इस सीज़न में यहाँ वहाँ के जो लोग हैं अपने अपनी फील्ड्स में काम करते हैं द वुलर लेक एंड डल लेक एड टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्टेट यहाँ की जो टू लेक्स हैं वो यहाँ की सुंदरता को बनाए रहती हैं वुलर लेक एंड डल लेक हाउस बोट्स एंड शिकाराज और वुडन बोट्स हाउस बोट शिकारा या वुडन बोट्स जो हैं यहाँ के कॉमन साइट्स हैं दीज आर यूजड फॉर बोट राइड्स ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन जब लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं तो इन बोट्स में बैठ के पूरी लेक को इंजॉय करते हैं दीज आर यूज फॉर बोट राइड ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन और फंक्शन एज फ्लोटिंग शॉप्स फॉर सेलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स और लोग जो है इन बोट्स में बैठ के अपने फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स की सेलिंग भी करते हैं प्लेसेज ऑफ़ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर श्रीनगर पहलगाम गुलमर्ग अमरनाथ केव्स एंड वैष्णो देवी टेम्पल यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उसमें श्रीनगर पहलगाम गुलमर्ग अमरनाथ की गुफाएँ एंड वैष्णो देवी का टेम्पल है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हिमाचल प्रदेश भी एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है पीपल लव टू विजिट हिल स्टेशन और यहाँ पर भी लोग हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं कौन से हिल स्टेशन में शिमला डलहौजी कुल्लू एंड मनाली स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स मोस्ट ऑफ़ द पीपल ऑफ हिमाचल आर यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं दीज आर फार्मर्स दे ग्रो राइस मेज बर्ले फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एनिमल रियरिंग इज ऑल्सो यहाँ पर जो है एनिमल को भी पाला जाता है पीपल रियर शीप एंड गोट को पालते हैं क्योंकि उससे उनको वूल मिलती है वूल कारपेट्स ब्लैंकेट्स एंड रग्स एंड शॉल्स आर वुवेन हेयर यहाँ पर ये यह सभी चीज़ें बनाई जाती हैं पीपल वी आर वेरी कलरफुल क्लोथ यहाँ के लोग बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव एंड कलरफुल ड्रेसिस पहनते हैं द एब्रॉयडर्ड कैप ऑफ हिमाचल आर वेरी फेमस हिमाचल की जो राउंड एम्ब्रॉयडरी की जो कैप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं शिमला इज़ द स्टेट कैपिटल एंड पीपल स्पीक पंजाबी पहाड़ी किन्नौरी दशहरा इज़ द मेन फेस्टिवल हेयर शिमला भी जो है यहाँ की स्टेट कैपिटल है यहाँ के लोग पंजाबी पहाड़ी इनकी किन्नौरी बोलते हैं दशहरा यहाँ का मेन फेस्टिवल है उत्तराखंड उत्तराखंड इज नोन फॉर गढ़वाल और कुमायूं हिल्स उत्तराखंड गढ़वाल एंड कुमायूं हिल्स के लिए जाना जाता है मसूरी नैनीताल रानीखेत जो है यहाँ के पॉपुलर हिल स्टेशन हैं देहरादून इज़ द दे स्टेट कैपिटल देहरादून यहाँ की स्टेट कैपिटल है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग हरिद्वार केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर पॉपुलर रिलीजियस प्लेसेस दैट अट्रैक्ट थाउजेंट ऑफ इंडियन एंड इवन फॉरनर्स ऑफ दिस स्टेट यहाँ पर इंडियन टू इंडियन और फॉरनर्स भी इन जगहों पर बहुत ही ज़्यादा केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री हरिद्वार में फ़ॉरनर्स भी आते हैं ये भी बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सिक्किम सिक्किम विद इट्स कैपिटल एट गैंगटोक सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक इज़ आमॉल एक स्मॉल स्टेट है पीपल ऑफ़ दिस स्टेट यहाँ के लोग बिलोंग टू तो थ्री थ्री ट्राइब तीन प्रजातियों में बटे हुए हैं लेपचा भूटिया एंड नेपाली देयर क्लोथ्स डिपेंड ऑन द ट्राइब टू विच दे बिलोंग और इनके जो क्लोथ्स हैं वो उनकी ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं मीन्स इनके कपड़ों को देख बताया जा सकता है कि कौन सी प्रजाति को ये बिलोंग करते हैं मीन्स एक प्रजाति के लोग जो है सेम कलर एंड प्रिंट के लोग जो हैं कपड़े पहनते हैं देयर क्लोथ डिपेंड ऑन द ट्राइब टू विज दे बिलोंग हाउ एवर मैन एंड वुमेन वीअर कलरफुल कॉस्ट्यूम एंड वुमेन लव टू वीयर जवेलरी मेड ऑफ़ गोल्ड एंड बीट्स यहाँ के जो वुमेन्स हैं वो ज्वेलरी को पहनती हैं विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड बीट्स की बनी हुई होती हैं और चिड्स ग्रो है इन द अबेंडेंस एंड हाई माउंटेंस एंड डीप रिवर वैली इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द स्टेट यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे बाग बगीचे हैं uh, बहुत ही प्रचुर मात्रा में एंड हाई माउंटेंस हैं डीप रिवर वैलीज हैं जो यहाँ इस स्टेट की सुंदरता को बनाए हुए है वेस्ट बंगाल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर टी गार्डन वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टी गार्डनिंग के लिए जाना जाता है दार्जिलिंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग यहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है इज सिचुएटेड इन द फूट हिल्स ऑफ हिमालय जो हिमालयों की फूट हिल्स में बसा हुआ है इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल हिल स्टेशन एंड दार्जिलिंग टी जो यहाँ के ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, दार्जिलिंग के लिए और दार्जिलिंग टी के लिए भी फेमस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। वी विल डिस्कस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन अवर नेक्स्ट वीडियो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडे थैंक यू हेलो स्टूडेंट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेकेंड चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन in our previous video we read himalayas three ranges himadri himachal and shivalik and life in the mountains in, in these mountains we can find jammu and kashmir uttarakhand himachal pradesh sikkim northern part of west bengal so today we will read northern eastern state नॉर्दर्न ईस्टर्न इस्टेट द नॉर्दर्न इस्टेट्स ऑफ इंडिया आर ब्यूटिफुल इन देअर ओन वे भारत के उत्तर पूर्वी जो इस्टेट्स हैं वो अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत हैं इन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम एंड नागालैंड आते हैं तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन दिस रीजन नॉर्दर्न ईस्टर्न इस्टेट में अरुणाचल प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट है एंड ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इज लेस यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है एंड पीपल लिव इन हाउसेज ऑन स्टिल टू प्रोटेक्ट दमसेल्व फ्रॉम रेन एंड स्नैक्स यहाँ के लोग जो है स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं स्टिल्ट हाउसेस किस टाइप के होते हैं वो हाउसेस जिनको पोल के ऊपर बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्नेक एंड रेन की वजह से लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिल्ट हाउसेज में रहते हैं स्टिल्ट हाउसेज मीन्स पोल के ऊपर अपनों घरों को बनाते हैं जिससे और वहाँ पर एक लैडर लगा लेते हैं उस लैडर के माध्यम से वो अपने घरों तक पहुँच सकते हैं मणिपुर मणिपुर इज़ फेमस फॉर मणिपुरी डांस मणिपुर मणिपुरी डांस के लिए फेमस है इट्स कैपिटल इज़ इम्फाल प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग यहाँ का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग है एंड यहाँ के लोग जो हैं वीविंग भी करते हैं कपड़ों को भी बुनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स फॉर्म बैम्बू कैन एंड लेदर आर मेड है यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स बनती हैं जिसमें बैम्बू या कैन एंड लेदर के वर्क भी किए गए होते हैं मेघालय मेघालय इज़ वेल नोन फॉर रिसीविंग दैवेस्ट रेन फॉल इन इंडिया मेघा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश होती है दैट इज मेघालय शिलोंग इज़ दैपिटल ऑफ मेघालिया एंड फेमस हिल स्टेशन ऑल्सो गारो खांसी एंड जैनतिया जहाँ की मुख्य प्रजातियाँ हैं इस रीज़न की दे आर मेनली फार्मर्स और ये जो है अधिकतर फार्मिंग करते हैं फार्मिंग में ये लोग राइस जूट पोटैटो शुगर केन एंड औरेंग पाइन एंड ऑरेंजेस की खेती करते हैं माइजोरम माइजोरम इज स्मॉल नॉर्दर्न स्टेट विद एजवाल एज इट्स कैपिटल माइजोरम की जो कैपिटल है दैट इज एजवाल इट्स पीपल आर कॉल्ड माइजोस यहाँ के लोगों को मिजोस के नाम से भी जाना जाता है मोस्ट ऑफ द मिजोस आर लिटरेट यहाँ के अधिकतर लोग लिटरेट हैं एजुकेटेड हैं द फेमस बैम्बू डांस इज फ्रॉम दिस स्टेट यहाँ का जो फेमस बैम्बू डांस है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर है दे हम वी कैन सी द पिक्चर ऑफ बैम्बू डांस इन दिस पेज नंबर सिक्सटीन ऑल्सो हाउ कैन दे डांस विद द हेल्प ऑफ द बम्बूज सम पीपल शेक द बैम्बूज एंड सम आर बिजी इन डांसिंग एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डांस नो इसके लिए ना बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसको इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है एंड अवर लास्ट स्टेट इज नागालैंड नागालैंड ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ ट्राइब्स नागालैंड के अंदर भी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं पीपल ऑफ़ डिफरेंट ट्राइब्स यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ हैं वी आर शॉल विद डिफरेंट पैटर्न ये लोग भी क्या करते हैं डिफरेंट शॉल्स अपनी अपनी प्रजाति के लोग अलग अलग पैटर्न की शॉल्स को वियर करते हैं द डिज़ाइन ऑन द शॉल हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्राइब्स और इनकी जो शॉल्स के डिज़ाइन है वो इनकी ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ कोहिमा एंड कैपिटल ऑफ नागालैंड इज़ कोहिमा मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स यहाँ के मोस्टली लोग फार्मिंग करते हैं एंड दे ग्रो राइस मेज मिलट्स एंड ऑरेंजेस तभी तो नागालैंड के जो ऑरेंजेस हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जो हम लोग भी खाते हैं सो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द पी डी एफ यू विल डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर बुक एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर विद न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी i hope you all have done chapter 1 in neat and clean handwriting in your copy cover your copy write your name and class okay and make your copy neat and clean handwriting and do all the work in neat and clean handwriting in your copy and all the exercises in your book that's all from today thank you